شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد عبد الخبیر آزاد چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں. آج ماہ رمضان المبارک 1445 ہجری کے چاند کی رؤیت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ایڈمنسٹریٹر اوقاف عیدگاہ 4 صدہ روڈ پشاور میں منعقد ہوا. اجلاس میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ عبد الغفور، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، مولانا یاسین ظفر، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی یوسف کاشمیری، مفتی فیصل احمد، قاری عبد الرؤوف مدنی، مولانا عبد المالک بروہی، مولانا اشرف علی، پیر سید شاہد علی جلانی، مفتی قاری مہر اللہ، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مولانا اسد زکریہ شامل ہیں، جبکہ ہمارے 3 ممبران اس وقت حجاز مقدس میں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی ضمیر ساجد. ارکان زونل رؤیت ہلال کمیٹی پشاور: مولانا احسان الحق، مولانا محمد علی شاہ، علامہ عابد حسین شاکری، مولانا مفتی فضل اللہ جان، مولانا عبد البصیر رستمی، مفتی عتیق اللہ قادری. رابطے کے فرائض: ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دیں. اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے. الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع ابر الود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاف بھی رہا. پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں پشاور، لاہور، سوات، سرگودا، دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ. لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی.
अल्लाह तबारक व तआला पूरी आलम इस्लाम और पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को रमज़ान की आमद सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें, वुस्सतें हमें सबको अता फरमाए। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह की नेमत उज़्मा है, वो भी रमज़ानुल मुबारक की 27वीं की मुबारक सातों में हमें अता फरमाया। आए हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस्तेहकाम नसीब फरमाए, इस मुल्क को खुशहाली नसीब फरमाए। इस मुल्क को हमने इंतशार से पाक पाकिस्तान बनाना है, इस मुल्क को हमने दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान बनाना है। आए हम इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को हर अंदरूनी और बरूनी खतरात से महफूज फरमाए। अफवाज पाकिस्तान, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं, उनके जो शुहदा हैं, उनके लिए भी आज हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन शुहदा की जिन्होंने पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपनी शहादतों के नजराने दिए, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल और मंजूर फरमाए। मैं आज की इस रोयते हिलाल कमेटी के इजलास में वफाकी हकूमत, हकूमत पाकिस्तान का और सूबाई हकूमत खैबर पख्तूनख्वा का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनके तआवुन से आज का ये खूबसूरत इजलास यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है। अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज फिर हम सबको एक रोज़ा अता किया है। अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें, मैं अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज फिर हम एक रोज़ा की तरफ अल्लाह ताला हमें लेकर आया है। तो आज सबको ये मुबारक हो। आए हम इस मुल्क के पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ें। पाकिस्तान है तो हम हैं, वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा वो करती है। और आज हम सबको चाहिए कि हम मिलकर इस वतन अजीज को आगे लेकर बढ़ें और पैगाम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का नैरेटिव और बयानिया है, उसको हम हर घर की आवाज़ बनाएं। इंशाअल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी और पाकिस्तान जो है इस्तेहकाम की तरफ भी जाएगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि मुल्क में यूनिटी को पैदा करें, मुल्क में वहदत को पैदा करें और मुल्क को आगे ले जाने की बात करें। और जो मैं समझता हूँ इस वक्त हकूमतें बनी हैं, आज हमें चाहिए कि मिलकर आगे बढ़ा जाए और कामयाबी को हासिल किया जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। और रमज़ान में हम सब मिलकर इसकी दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को दिन रुक दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आए हम सब मिलकर गजा के मुसलमानों के लिए और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज ये चौथा रमज़ान है कि एक ही दिन अल्लाह ताला हमें रोज़ा अता कर रहा है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام। اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے, اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تو اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو हम सब के लिए और मेरे पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए बायस बरकत बायस रहमत बना दे। ए अल्लाह आज तेरी तौफीक से, तेरी बरकत से फिर तूने एक दफ़ा हमें एक ही दिन रोज़ा अदा किया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तू इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मंजूर फरमा ले। अल्लाह
इस वतन अजीज की हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क पाकिस्तान को इंतशार से पाक पाकिस्तान बना दे, इस मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान बना दे, इस मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे, इस मुल्क पाकिस्तान को हर अंदरूनी बरूनी खतरात से महफूज फरमा दे। अल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान के शहदा और सिक्योरिटी इदारों के शहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह तो उन तमाम शहदा की कुर्बानियों को कबूलियत अता फरमा, कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह, बहुत से लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह सब की दुआओं को तो कबूल, मकबूल और मंजूर फरमा ले। सब बीमारों को शिफा अता फरमा, गरीबों की गुरबत दूर फरमा, बेऔलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इसराइल आज गजा के ऊपर जो जुल्म और सितम था रहा है, रब तेरी मदद कब आएगी, तेरी मदद को वो तलाश कर रहे हैं। अल्लाह तो अपनी गैबी मदद फरमाते हुए, गैबी नुसरत फरमाते हुए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो गजा के शुहदा हैं उनकी मफ़रत और उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, अपने करम के फैसले फरमा दे, अपनी रहमत के फैसले फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। जैसे तूने हमें आज रोज़ा एक दिन दिया है, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि ईद भी हम सबको एक दिन अता फरमा दे, ईद भी आने वाली हम सबको एक दिन अता फरमा दे और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। दुनिया भी अच्छी बना, आखरत भी अच्छी बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबन नश्र व क़िना अज़ाबस सिरात। अल्लाह पैगाम पाकिस्तान की आवाज़ को घर घर में आम फरमा दे। अल्लाह अपना करम फरमाते हुए, अपनी रहमत फरमाते हुए हमारे इस मुल्क पर रहम फरमा। अल्लाह जैसे वफाकी हुकूमत ने और सूबाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज के इजलास को कामयाब बनाने में जो तआवुन किया, अल्लाह इनके तआवुन को कबूल फरमा। अल्लाह ये जो मीडिया आया है और ये ज़रिया बन रहा है पूरे मुल्क में हमारे इस ऐलान को पहुंचाने का, अल्लाह तू इनकी इन कोशिशों को भी कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने की, तेरे नबी से सुना है अव्वलहु रहमा औसतहु मग़फ़िरा व आख़िरहु इत्क़ा मिनन नार। ऐ अल्लाह रहमत का अशरा, फिर मग़फ़रत का अशरा, फिर निजात का अशरा, फिर जहन्नम से आज़ादी का अशरा, अल्लाह इनकी बरकत हमें नसीब फरमा, बरकत नसीब फरमा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और जोनल रोयत हिलाल कमेटी के जो हमारे मेंबरान हैं, या अल्लाह बड़े बड़े तूलो अर्स मुल्क के वहाँ से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, या अल्लाह हमारे इन तमाम मेंबरान का आना भी कबूल फरमा, तमाम अमायदीन का आना भी कबूल फरमा और महकमा औक़ाफ़ खैबर पख्तूनख्वा ने जो यहाँ पर तआवुन किया और आज ये इजलास हुआ, या अल्लाह इनके लिए भी हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा, मकबूल फरमा।